हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक सोनू। मैंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है अपनी, और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उसमें जो टॉपिक रहेगा वो है टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द टॉपिक टिश्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता दूँ बायो के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड मैं आपको बता दूँ। नीट में जो बायो का कॉम्पोनेंट है उसमें मेन क्या आपको देखना होता है वो समझिए। जो आपका बायो का कंटेंट है उसमें वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मैं आपको जैसे जैसे लेक्चर जाएगा वैसे वैसे आपको ये जानने को भी मिलेगा कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस को देखा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है, और किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाने के दौरान ही मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक टिश्यूज। चलिए नाउ टिश्यूज में इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो देखिए, जो आपने इससे पहले सेल पर रखा है तो सेल में आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ यूनिसेलुलर में हम वैसे भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी टिश्यूज की बात तो होगी नहीं। नाउ कमिंग टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ तो इन सब ग्रेड्स में जो दूसरा ग्रेड है सेलुलर लेवल के बाद का, दैट इज बिंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम उसकी बात करेंगे। नाउ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, ठीक है? ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेगा। सो ये पॉइंट देखिए, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यूज। इसका मतलब क्या है? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैसे सिमिलर सेल्स जो आपस में क्लोजली इंटैक्ट हैं और कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। अब चलिए इसी में हम समझते हैं गलती क्या होगी आपसे। नाउ इसमें जो गलती होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जो वर्ड देखिए इंटरसेलुलर लिखा हुआ है, वहाँ पे हो सकता है कि इंटरसेलुलर ना हो के वो इंट्रा हो जाए, और आप जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती करोगे। तो आपको याद क्या रखना है, इंटरसेलुलर वर्ड इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक। चलिए नाउ टिश्यू जो है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ देखा गया था सबसे पहले, किस फाइलम में देखा गया था? द आंसर इज सेलेंट्रेट्स या निडीरियंस, ठीक है? नाउ द स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, एंड हिस्टोलॉजी के अलावा अगर आप देखें तो टिश्यूज से रिलेटेड जितने भी आपके डिजीज हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। चलिए नाउ टिश्यूज की आगे हम फर्दर बात करें तो टिश्यूज आपको कई तरीके के देखने को मिलेंगे, जैसे कि टिश्यूज हार्ड भी हो सकता है जैसे बोन, सेमी सॉलिड भी हो सकता है जैसे फैट, या फिर लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है? नाउ क्या क्या फंक्शन करता है टिश्यूज? नाउ टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को या बॉडी के बिल्ड को मेंटेन करना, उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नाउ और कौन कौन से फंक्शन करता है वो देखते हैं। प्रोटेक्शन देता है आपकी बॉडी को, सपोर्ट देता है, कम्युनिकेट करता है अमंग सेल टू सेल, एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द डिजीज। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो बेसिकली आपके टिश्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए नाउ कमिंग नेक्स्ट पॉइंट, द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने प्रोपोर्शन पे एक बोल्ड मार्क मारा है, क्योंकि हमेशा प्रोपोर्शन और रेशियो में गलती होती है। तो ये कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। सो द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन नॉट इन रेशियो, ठीक है? द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। इसका मतलब समझते हैं। देखिए जब कभी कुछ टिश्यूज़ को मिला के आप एक कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट का नाम होता है ऑर्गन, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग द टिश्यूज़ एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्मिंग द ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, ये सब आपके किससे बने हुए हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बने हुए हैं। चलिए
Now, when two or more organs perform common functions by a physiological or chemical interaction, they forms a organ system. अब सारे organs मिलके जब एक साथ एक जैसा या specific chemical या physical reactions या interaction करते हैं तो उसको हम बोलते हैं organ system, जैसे कि digestive system and respiratory system. Let's say for an example कि अगर मुझे खाना डाइजेस्ट करना है तो मुझे सिर्फ स्टमक की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे स्टमक के अलावा ड्यूडेनम की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, ईसोफेगस की, माउथ की, सब की ज़रूरत पड़ेगी. तो इन सब को कंबाइन करके आपने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसको आपने बोला ऑर्गन सिस्टम. तो सीक्वेंस की हायरार्की देखिए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम मैमल्स बिलोंग करते हैं. चलिए, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप देयर वर्क एज द वे द एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लिवर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल. इसका मतलब क्या है, देखिए बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल टू विच दीज ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग डिवाइडेड. आंसर इज द डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब अगर एक सेल आपको सारा काम करके देगा तो वो होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर ग्रुप ऑफ टिश्यूज सारा काम करके देती हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक केमिकल इंट्रैक्शन या फिजिकल इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो याद रखिए कि जितने भी आपके हायरार्कीज हैं वो सब आपके डिवीजन ऑफ लेबर पे डिपेंडेंट है. चलिए, नाउ कमिंग टू द टाइप्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई आपकी यहाँ तक टिश्यूज़ की, टिश्यूज़ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने समझी, ठीक है. अब हम आते हैं कि टिश्यूज़ के टाइप्स कितने हैं. तो बेसिकली जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके चार टाइप्स हैं. पहला है एपिथीलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर एंड फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू. तो बेसिकली चार आपके कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपके ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. चलिए, तो एक एक करके हम इन सब की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें एक चार्ट मैंने डिस्प्ले किया है आपके बोर्ड पे, वो चार्ट देखिए. अब देखिए यहाँ पे एपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस जो हमने अभी अभी बात की थी उनके सब डिविजन्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि एपिथीलिया में वी विल बी हैविंग स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम. मीन वाइल इन कनेक्टिव वी विल बी हैविंग एरियोलर, इन विच एरियोलर फर्दर इज डिवाइडेड इंटू टेंडन एंड लिगामेंट. नाउ एडिपोज है, स्केलेटल है, स्केलेटल इज अगेन डिवाइडेड इंटू बोन एंड कार्टिलेज, वेयर एज फ्लूइड इज डिवाइडेड इंटू ब्लड एंड लिम्फ. नाउ मस्कुलर की बात करें तो मस्कुलर के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, स्केलेटल या स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, और फिर आता है आपका नर्वस, ठीक है. तो नर्वस के भी कॉम्पोनेंट्स हैं, हम उसको हम आगे बात करेंगे. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, द वेरी फर्स्ट टिश्यू इज द एपिथीलियल टिश्यू. तो स्टूडेंट्स, एपिथीलियल टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे, बट एपिथीलियल टिश्यू जाने से पहले हम पहले बोर्ड पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें ये ओरिजिनेट होता है. तो बेसिक इन्फो आपको मैं बोर्ड पे देता हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात किया कि आपके पास चार टाइप के टिश्यूज हैं और हर एक टिश्यू का अपना एक ओरिजिन है, तो मैं आपको वो ओरिजिन के नाम बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और आप ये याद रखिए. चलिए, तो हम बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं. तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टिश्यूज थे आपके. पहला एपिथीलियल था, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस. नाउ स्टूडेंट्स, हर एक टिश्यू का अपना एक ओरिजिन है,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या कि वैसे एम्ब्रियोनिक सेल्स जिनसे आपके ये सब टिश्यूज आएंगे उनके नाम मैं बता रहा हूँ। नाउ एपिथीलियल के अंदर देखिए, इट अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि जो इपिथीलियल सेल्स हैं वो एक्टोडर्म से भी आते हैं, मीजोडर्म से भी आते हैं और एंडोडर्म से भी आते हैं। ना कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू अराइज फ्रॉम मीजोडर्म, मस्कुलर अराइज फ्रॉम मीजोडर्म, वेर एज द नर्वस अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, तो ये कुछ एनलिस्ट है कुछ चीजें। तो एपिथीलियल में देखें तो एपिथीलियल ही एक ऐसा टिश्यू है जो आपके एक्टो, मीजो और इंडोडर्म में आता है ना। अगर कोई एपिथीलियल सेल मीजोडर्मल ऑरिजिन का है तो उसको हम बोलते हैं मीजो थीलियम। आई रिपीट, एपिथीलियल सेल अगर वो मीजोडर्म का है तो उसको हम बोलते हैं मीजोथीलियम। नाउ एपिथीलियल सेल अगर एंडोडर्म से आया है तो उसको हम बोलते हैं एंडो थीलियम। ठीक है, सो याद रखिए कि एपिथीलियल सेल फ्रॉम मीजोडर्म मीजोथीलियम, एपिथीलियल सेल फ्रॉम एंडोडर्म एंडोथीलियम। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पे पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी वो कैविटी है जो आपके ऑर्गन्स को होल्ड करती है। एंडोथीलियम की बात करें तो ये आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स के अंदर आप वर्ड यूज करेंगे एंडोथीलियम, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आप वर्ड यूज करेंगे मीजोथीलियम, और एक्टोडर्म की बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए स्किन। यानी कि एपिथीलिया का जो ओरिजिन है वो डाइवर्स है, वो एक्टोडर्म में भी मिलेगा, मीजोडर्म में भी मिलेगा एंड इंडोडर्म में भी मिलेगा। नाउ कमिंग टू द कनेक्टिव। नाउ कनेक्टिव के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो अभी आपने देखे वो सब मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। सिमिलरली मस्कुलर का भी मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। नाउ कमिंग टू द नर्वस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिए। नाउ ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू आर फ्रॉम एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, आई रिपीट, ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू आर फ्रॉम एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब इसमें ध्यान देने वाली वाली बात क्या है, मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल, यानी कि ऑल नहीं है, कुछ एक्सेप्शन तो है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए नर्वस टिश्यू में कुछ ग्लियल सेल होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस ग्लियल सेल में एक होता है माइक्रोग्लिया, और ये जो माइक्रोग्लिया है ये आपका मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। तो ये आपका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, कि टिश्यू, टिश्यू की ओरिजिन और किस तरीके से टिश्यू के ओरिजिन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो समझिए। पहला क्वेश्चन, सबसे ब्रीफ जो आपका ओरिजिन है वो किसका है, एपिथीलिया का है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मीजोडर्म एक ऐसा ओरिजिन है
जो कनेक्टिव में भी है, एपिथीलियल में भी है, मस्कुलर में भी है, नर्वस में भी है। यानी इसका मतलब ये है कि मेसोडर्मल ऑरिजिन जो है वो आपको सारे के सारे टिश्यूज में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एपिथीलियल हो, कनेक्टिव हो, मस्कुलर हो या फिर नर्वस हो। ठीक है ना, जो पहला टिश्यू अराइज हुआ है, ठीक है, आपके ह्यूमन बॉडी में जब आप डेवलप हो रहे थे, वो था एपिथीलियल। तो याद रखिए, एपिथीलियल टिश्यू इज द फर्स्ट टिश्यू अराइज इन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एपिथीलियल टिश्यू जो है वो पहला टिश्यू है जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में देखा जाएगा। चलिए, तो ये था आपका एक डिस्क्रिप्शन जो आपको जानना बहुत जरूरी था। तो हम चलते हैं वापस आपके स्लाइड पे नाउ। तो चलिए स्टूडेंट्स, एपिथीलियल टिश्यू के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जनरली जो एपिथीलियल सेल है वो आपके थ्रू आउट बॉडी डाइवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दे कवर्स द बॉडी सर्फेसिस, कैविटीज एंड ट्यूब्स। ठीक है, बॉडी के सरफेस को, कैविटीज को और ट्यूब्स को कवर करती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एपिथीलिया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखिए, एपिथीलियल सेल्स को एपिथीलिया भी कह सकते हैं। चलिए ना, एपिथीलियल सेल्स फॉर्म द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथीलिया। इसका मतलब क्या है, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका इनर सरफेस जो है वो आपकी एपिथीलियल टिश्यू का बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे एपिथीलियल टिश्यूज सिक्रीटरी इन फंक्शन होंगी, मतलब कुछ सिक्रीट करेंगी, और वो क्या सिक्रीट कर सकती हैं, हॉर्मोन्स। नेक्स्ट है आपका ना, सेल कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस शीट, दे आर कॉल्ड एज सिंगल और मल्टीपल लेयर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप फर्दर एपिथीलियल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका सिंपल विच विल बी हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंड दूसरा है कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड जिसके अंदर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आप एपिथीलियल सेल्स को दो पार्ट में ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ आगे बात करते हैं बेसिक टिश्यूज के बारे में, एपिथीलियल टिश्यू के बारे में। तो वो देखिए, तो टिश्यू हैज अ फ्री सर्फेस ऑफ विच फेसेस आइदर इन अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरमेंट and thus provide a covering to a lining to form a different parts of the body। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो epithelial tissue होगा, ठीक है, उसके ऊपर दो components होंगे, एक होगा body और दूसरा होगा उस body का free surface। और जो body है वो किसी ना किसी base पे lie कर रही होगी, उसको हम बोलते हैं basement membrane, जिसके बारे में हम अभी further बात करेंगे। तो फिलहाल हम concentrate करते हैं body पे ना। इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। चलिए, तो हम अभी बात कर रहे थे एपिथीलियल टिश्यू की, और मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि दे विल बी हैविंग अ फ्री सरफेस, ठीक है, दे विल बी हैविंग अ बॉडी एंड दिस बॉडी विल बी हैविंग द बेस। नाउ this is called as free surface, ठीक है, ये आपका free surface होगा which will be projecting outwards। तो this is the free surface which is projecting outside the body। इसके बाद ये है आपका body, और ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ध्यान से समझिएगा कि ये पूरा का पूरा एपिथीलियल टिश्यू है, इसमें आपको मिलेगा बॉडी जो बीच का पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसके ऊपर मिलेगा कुछ फ्री सरफेस विच विल बी प्रोजेक्टिंग इन द ल्यूमेन और आउटसाइड द सेल, एंड जो जिसपे वो रेस्ट कर रहा है, जो बेस है उसका, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ना बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो ध्यान से समझिएगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके दो पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में भी जानते हैं।
जो पार्ट सीधा बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हमने बोला बेजल लामिना, ठीक है, एंड वो पार्ट जो नीचे है उसको हमने बोला रेटिकुलर लैमिना, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी दो पार्ट्स हैं, बेजल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से वो भी देख लेते हैं। देखिए, बॉडी से सीधा कांटेक्ट में कौन, बेजल लामिना, बॉडी से दूर कौन, रेटिकुलर लामिना, ठीक है। तो बॉडी को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए, नाउ बेजल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना जो है उसके नीचे, ठीक है, आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपकी पूरी की पूरी हो गई एपिथीलिया और उसके नीचे आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू। ना क्वेश्चन ये है कि कनेक्टिव टिश्यू आपकी एपिथीलिया के नीचे क्या कर रहा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, एपिथीलियल टिश्यू जो होता है, ये हम आगे बात भी करेंगे कि इट इज़ बीइंग एवैस्कुलर। एवैस्कुलर का मतलब होता है इनके पास कोई भी ब्लड वेसल का इनर्वेशन नहीं होता। सो इन सच केस इनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि एपिथेलियल सेल जो है वो एवैस्कुलर होता है, तो उसको खाने के लिए या फिर एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो जनरली जो आपके एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है, उनके नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। तो ये आपका पॉइंट है। नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेजल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना, ठीक, एक तो फायदे की बात ये हो गई कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ कुछ और भी काम करता है जो हम फर्दर अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आते हैं वापस स्लाइड्स पे फर्दर जानकारी के लिए। चलिए, तो जिस तरह से हमने बात की अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपने क्या देखा, दो नाम देखे, बेजल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। नाउ अब एक एक करके उनके बारे में भी समझते हैं। बेजल लामिना जो है वो खुद एपिथीलियल सेल सिक्रीट करते हैं। तो आपने क्या देखा था, ये बेजल लामिना जो है ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो आपका बेजल लामिना है, ठीक है, ये कौन सिक्रीट करेगा, खुद आपके एपिथीलियल सेल सिक्रीट करेंगे। नाउ बेजल लामिना किसका बना होता है, तो देखिए बेजल लामिना इज मेड अप ऑफ कोलाजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। कोलाजन इज अ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स का मतलब होता है प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटियोग्लाइकन्स। तो इन सबको मिला के आपका बेजल लामिना बना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेटिकुलर लामिना। तो नीचे वाला जो पार्ट था वो है रेटिकुलर लामिना। नाउ रेटिकुलर लामिना जो है वो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट में था कनेक्टिव टिश्यू के, एंड ये भी आपका कोलाजन एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल का बना हुआ है। तो बेजल लामिना इज मेड अप ऑफ कोलाजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स, एंड रेटिकुलर लामिना इज मेड अप ऑफ कोलाजन एंड द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। चलिए, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से ये भी देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बेजल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना में एक कॉमन कॉम्पोनेंट मिलेगा जिसका नाम है कोलाजन। यानी कि जो कोलाजन है वो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ये डायग्राम भी देखिए, ये हमने डायग्राम जो अभी बात की सेम डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एपिकल सरफेस है ऊपर में देखिए, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा पार्ट एपिथीलियम में आता है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो ब्लड वेसल है ये वाला पार्ट, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, कोई भी ब्लड वेसल आपके एपिथीलियल सेल में नहीं है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है एवैस्कुलर। ना इसके बाद देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कॉम्पोनेंट दिखा रखे हैं, बेजल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना, ठीक है, ये भी है मैंने आपको अभी समझाया। लेकिन एक चीज़ और है जो गौर करने वाली है, वो है नर्व, ठीक है। विथ नो डाउट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको मिलेंगे ब्लड वेसल्स और एपिथीलियल सेल एवैस्कुलर हैं, लेकिन याद रखिए कि एपिथीलियल सेल के अंदर नर्व्स का इनर्वेशन, नर्व्स वहाँ पर पाए जाते हैं।
नर्व्स जरूर होगा लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ठीक है। चल नाउ कमिंग टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एपिथेलियल सेल में देखने को मिलेंगे। नाउ दे आर क्लोजली अटैच टू ईच अदर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर। इसका मतलब क्या है कि जो दो सेल्स हैं वो आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है, और एक बैरियर की तरह एक्ट करेंगे। इट ऑलवेज हैज़ अ फ्री एपिकल सर्फेस आउटसाइड द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया कि जो एपिकल सर्फेस है वो बाहर की साइड यानी कि प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स होगा। ऑलवेज हैव अ फिक्स बेसल सेक्शन विच इज़ हैविंग अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। जो अभी मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपका एपिथेलियल सेल होगा वो किसी ना किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट कर रहा होगा, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। नाउ ए वैस्कुलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ए वैस्कुलर है, दे आर बींग ए वैस्कुलर सो दे के नॉट अपटेक द न्यूट्रिएंट्स विदाउट द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए उनको हर हालत में कनेक्टिव टिश्यू चाहिए होगी। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो समझिए। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑल द एपिथेलियल सेल्स आर ए वैस्कुलर, तो ये आंसर रॉन्ग है। ऑल द एपिथेलियल सेल आर नॉट ए वैस्कुलर, एक ऐसा एपिथेलियल सेल है जो वैस्कुलर होता है, उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, उसका नाम है स्ट्रिया वैस्कुलरिस, ठीक है। सो एक ऐसा एपिथेलियल सेल भी है आपकी बॉडी के अंदर जो वैस्कुलर है, उसका नाम है स्ट्रिया वैस्कुलरिस, और ये पाया जाता है आपके इंटरनल ईयर में, कॉक्लिया में। आई रिपीट, इंटरनल ईयर में कॉक्लिया में स्ट्रिया वैस्कुलरिस पाया जाता है। चलिए, नाउ दे हैव लॉट्स ऑफ नर्व्स इनर्वेटेड विद इन इट, उनके अंदर बहुत सारे नर्व्स जो है वो इनर्वेटेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी स्किन में स्किन बर्न होता है या फिर आपके घुटने छिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस एरिया में जो एपिथेलियल सेल हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कभी आपको सनबर्न हुआ या आपके हाथ या पैर छिल गए, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि स्किन बहुत जल्दी से रिकवर कर जाती है। तो दैट इज़ बीइंग अ पावर ऑफ रीजनरेशन विच इज़ बीइंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब एक चीज़ आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो है नहीं, तो किस तरीके से यहाँ पे रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत फास्ट है। सही सोच रहे हैं आप, इसका आंसर भी समझिए। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे ही कोई एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होता है, कनेक्टिव टिश्यू तेज़ी से वहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, और बहुत जल्दी से वो रीग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इनके पास अच्छी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, चलिए, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेडिएशंस, डेसिकेशन, टॉक्सिन एंड इन्वेजन फ्रॉम द पैथोजेंस एंड फिजिकल ट्रॉमा। इसका मतलब क्या है, एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्किन। नाउ स्किन देखिए, स्किन आपको रेडिएशन से भी बचाता है, किसी भी डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब होता है टूटना, ब्रिटलनेस, उनसे बचाता है, किसी भी टॉक्सिन की बॉडी में एंट्री से भी बचाता है, पैथोजन की एंट्री से भी बचाता है, या फिर फिजिकल वियर एंड टीयर से भी बचाता है। तो जितनी भी आपके ऑर्गन्स हैं वो अंदर हैं, वो सेफ हैं, इसलिए सेफ हैं क्योंकि उसके ऊपर स्किन है और स्किन के ऊपर आपके एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि उनको मैक्सिमल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेगुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ केमिकल बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यूज एंड बॉडी कैविटी। नाउ जैसा कि आपने देखा अभी, स्किन, स्किन के अंदर आपके ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन्स आपके सेफ इसलिए हैं क्योंकि उसके ऊपर आपके एपिथेलियल सेल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंडरलाइन जो ऑर्गन्स है वो आराम से अपना काम कर सकते हैं क्योंकि उनका जो डिफेंस कर रहा है वो एपिथेलियल सेल है। इसके अलावा द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड द अदर प्रोडक्ट्स आर बीइंग आल्सो बीइंग डन बाय एपिथेलियल सेल्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ हॉर्मोन्स बनाने हैं, ठीक है, ये भी काम आपकी ग्लैंडुलर एपिथीलियम का था जो अभी हमने देखा, तो ये काम भी आपके एपिथेलियल सेल का है। इट प्रोवाइड सेंसेशन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्टमक एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट फॉर्म्स द सीक्रेटरी ग्लैंड्स ऑल्सो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये फंक्शंस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एपिथीलिया में, तो उसको हम दो टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द थिकनेस। अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो एक हो जाएगा सिंपल और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड।
नाउ सिंपल में यू विल बी हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज यूनिफॉर्मली, वो आप सिंपल में बोलेंगे। और दूसरा है कंपाउंड। नाउ कंपाउंड को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, उसका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड बोले या स्ट्रेटिफाइड बोले, बात एक ही है। नाउ कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड विल बी हैविंग मोर देन वन लेयर, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा लेयर हुई एपिथीलियल में तो सीधा आप उसको नाम देंगे कंपाउंड, अगर सिंगल लेयर हुई तो सिंपल। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू द शेप अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द शेप इट कैन बी स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीलिएटेड, ठीक है। तो अगर आपका कोई एपिथीलिया स्क्वामस में है दैट विल बी हैविंग द वाइडर एंड टॉलर, क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक होंगे, कॉलमनर है तो कॉलम लाइक होंगे, एंड सीलिएटेड हैं तो उनके सरफेस के ऊपर, एपिकल सरफेस के ऊपर सीलिया होगी। तो ये रहा आपका डायग्राम, इसमें थोड़ा आप देख लें। स्क्वामस को देखें तो स्क्वामस जो है वो फ्लैटेंड सेल है, ठीक है, पेवमेंट एपिथीलियम भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा है क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक है। कॉलमनर को देखिए तो कॉलम में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। नाउ अब ध्यान से देखिएगा कि सिंपल में आपके सिंगल लेयर्स ऑफ सेल हैं, ये आपके सिंगल लेयर ऑफ सेल हैं, ठीक है, लेकिन आप इसी को शिफ्ट करते हैं स्ट्रेटिफाइड में तो आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा लेयर्स, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लेयर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्यूबॉइडल में देखिए दो लेयर्स हैं, उसी तरीके से कॉलमनर में देखिए तो आपके दो लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है आपके सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड में। नाउ इससे अलग हट के एक नाम देखिए, उसको नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो मतलब क्या, फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या, मोर देन वन लेयर, यानी कि वैसे सेल जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होंगे, वैसे टिश्यूज जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है, लेकिन एक सेल दिखेगा एक सेल नहीं दिखेगा, ठीक है। सूडो का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो प्रेजेंट तो है लेकिन वो दिख नहीं रही, तो इसका मतलब सूडो। तो यहाँ पे भी देखिए अगर आप ध्यान से, तो आप कुछ सेल को देख रहे होंगे जो आपको दिख रही होगी, ये कुछ सेल्स हैं जो बाहर की तरफ दिख रही है लेकिन अंदर की तरफ भी एक सेल है, ठीक है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये अंदर की तरफ है। तो जब आप ऊपर से टॉप व्यू लेंगे तो ये जो छोटा वाला सेल है वो आपको ऊपर से नहीं दिखेगा क्योंकि इन सब लॉन्ग सेल से छिपा हुआ है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले सेल हैं जो ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको आप बोलते हैं लॉन्ग सेल्स, और जो सेल अंदर की साइड हैं, ठीक है, डीप इन्वेजिनेटेड हैं, जो दिखेंगे नहीं आपको टॉप व्यू से, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड में आगे जाके आप देखेंगे कि इट विल बी हैविंग अ लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स। जो लॉन्ग सेल्स हैं वो बाहर से आपको क्लियरली विजिबल होंगे लेकिन जो शॉर्ट सेल्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। चलिए तो एक एक करके हम सबकी बात भी करने वाले हैं। तो पहला आते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम पे। नाउ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहता हूँ, ये डायग्राम देखिए जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है आपको समझने के लिए जो मैंने अभी आपको बोला कि सिंपल स्क्वामस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिस इज बीइंग अ साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको बाउंड्री जो है ये वेव लाइक मिलेगी, ये बाउंड्री जो है ये वेव लाइक है, ठीक है। तो वैसी बाउंड्रीज जो वेव लाइक होती हैं उनको हम मेसोथीलियम में रखते हैं, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था। तो ध्यान रखिए कि स्क्वामस एपिथीलियम को आप मेसोथीलियम बोलते हैं क्योंकि वो मेसोडर्म से अराइज होती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मेसोथीलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, द आंसर इज वेव लाइक बाउंड्रीज। तो जहाँ पे भी आपको वेव लाइक बाउंड्रीज मिलेगी आप बोल सकते हैं कि दे आर बीइंग मेसोथीलियम। एग्जाम्पल के तौर पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे पेरिटोनियम भी मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो पेरिटोनियम है वो दो ऑर्गन्स को होल्ड करने में काम आता है, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं या पेरिटोनियल कैविटी भी बोल सकते हैं ना। उसको फर्दर आप देखें तो ये डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे देखें तो ये टॉप व्यू है, वो ऊपर से देख रहे हैं आप, ठीक है। जब आप टॉप व्यू लेंगे ऊपर से देखेंगे तो ये सेल आपको फ्लैट दिखेंगे, ठीक है। तो सेल देखिए आपको फ्लैट दिखेगा, तो सिंपल स्क्वामस सेल्स और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसी के नीचे आप देखिए जो मैं हम बात भी कर रहे थे कि उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो स्क्वामस सेल्स
उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नाउ जनरली जो आपका स्क्वामस सेल्स होता है वो टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके से आपको टाइल्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो ये आपके टाइल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये आपका बीच में सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सब आपके सेल्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, स्क्वामस एपिथीलियम। नाउ स्क्वामस एपिथीलियम के बीच में ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको आपने बोला था इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये आपका टॉपिक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें और आगे देखिए, चूंकि ये टाइल लाइक दिखते हैं तो आप सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम को पेवमेंट एपिथीलियम भी बोल सकते हैं, यानी कि स्क्वामस एपिथीलियम को आप पेवमेंट एपिथीलियम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पेवमेंट की तरह दिखते हैं जब आप उसको टॉप व्यू से देखोगे। कमिंग टू द लोकेशंस, लोकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं जल्दी से देखें। सो इट विल बी फाउंड इन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग, बॉमेंस कैप्स्यूल, इनर सर्फेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनर सर्फेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड मार्क किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द सेरस मेम्ब्रेन सच एज पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम एंड प्यूरा। नाउ कमिंग, एक वर्ड आपके लिए नया आया होगा, सेरस। सेरस का मतलब होता है वैसे फ्लूइड जो बॉडी खुद ही सिक्रीट करती है, उसको हम सेरस फ्लूइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम। ना पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो आपके हार्ट के वॉल्स खुद ही सिक्रीट करते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही बॉडी उसको बना लेती है। तो सेरस का मतलब क्या हो गया, सेरस का मतलब हो गया वैसे फ्लूइड्स जो आपके बॉडी खुद ही सिक्रीट करेगी। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन से फंक्शन है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब कि आपने फिल्ट्रेशन के अंदर एग्जांपल ले लीजिए आप बाउमेंस कैप्सूल। नाउ बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आपका फिल्ट्रेट पास करेगा और वहाँ से आपके केमिकल्स फिल्टर हो जाएंगे और यूरिन बन जाएगा। डिफ्यूजन, एग्जाम्पल के तौर पर एल्विओलाई। नाउ एल्विओलाई के अंदर याद रखिए एक क्वेश्चन जो एडवांस लेवल पे बन सकता है उसकी हम डिस्कशन करते हैं। नाउ एल्विओलाई के अंदर दो टाइप के एल्विओलर सेल्स होते हैं, ठीक है। नाउ एल्विओलाई टाइप वन एंड एल्विओलाई टाइप टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल्विओलाई टाइप वन एंड टाइप टू, ठीक है। तो एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एल्विओलाई के अंदर एपिथेलियल सेल तो है लेकिन कौन से टाइप में, टाइप वन में या टाइप टू में, तो उसका आंसर भी समझिए। एल्विओलाई के टाइप वन में होता है स्क्वामस एंड एल्विओलाई टाइप टू के अंदर होता है आपका क्यूबॉइडल, ठीक है। तो एल्विओलाई टाइप वन सेल्स आर स्क्वामस इन नेचर एंड दे हैव अ रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्विओलाई टाइप टू इज क्यूबॉइडल एंड दे हैव रोल इन सिक्रीशन ऑफ लेसेथिन, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बात हो गई फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। ये कुछ फंक्शंस थे आपके सिंपल स्क्वामस के। चलिए ये तो डायग्राम की बात हो गई, कमिंग टू द सिंपल क्यूबॉइडल। नाउ सिंपल क्यूबॉइडल की बात करें तो दे आर अरेंज इन अ क्यूब लाइक मैनर। इसका भी डायग्राम देखते हैं, ये देखिए आपको जो डायग्राम देखे सेकेंड वाला देखिए, तो यहाँ पे आपको जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक मिलेंगे, ठीक है। तो ये कट सेक्शन हमने लिया है, कट सेक्शन लिया है हमने, और अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, उसको हमने बोला है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो ये एक सिंगल लेयर बनी, ये एक पूरी सिंगल लेयर बनी, उसके नीचे आपको ने क्या देखा, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू जो सेम हमने पहले भी बात की थी। नाउ सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स विल बी हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए वापस आते हैं, अब आते हैं लोकेशन पे। लोकेशंस में देखिए, इट कवर्स द आउटर लेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी का जो आउटर लेयर है उसको कवर करता है।
इसके अलावा द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, जो लेंस के आपके तीन लेयर होते हैं उसमें से जो अंदर का लेयर होता है उसको आपका सिंपल स्क्वामस कवर करता है, सिंपल क्यूबॉइडल कवर करता है। नेक्स्ट है आपका पिगमेंटेड एपिथीलियम को भी आपका क्यूबॉइडल बनाता है। नाउ इम्पॉर्टेंट इज वर्ड जो मैंने हाईलाइट भी किया है और कई बार हम गलती भी करते हैं, लाइंस ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन अ किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं वापस बोर्ड पे, मॉडल की बात कर रहे थे। चलिए थोड़ा यहाँ से और आपको और एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। देखिए क्यूबॉइडल में ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे देखिए ये बॉडी है, बॉडी का ये ऊपर का सरफेस है उसको आप बोल सकते हैं एपिकल सरफेस, और जिस पे रेस्ट कर रही है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको हम नाम देते हैं सिंपल। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, ये क्यूबॉइडल का डायग्राम मैंने लिया है लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और कनेक्टिव टिश्यू है तो उसको आप बोल सकते हैं सिंपल। नाउ मैं इसको सिंपल क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आगे बताता हूँ। होता ये है कि एपिकल सरफेस के अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं किसी भी, चाहे वो मैं क्यूबॉइडल की बात करूं, चाहे मैं स्क्वामस की बात करूं, चाहे मैं कॉलमनर की बात करूं, याद रखिएगा तीन की बात मैं कर रहा हूं, क्यूबॉइडल, स्क्वामस एंड कॉलमनर की बात कर रहा हूं, अगर उसमें एपिकल सरफेस में कोई मॉडिफिकेशन आता है तो वो क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये तीनों के लिए लागू है, स्क्वामस के लिए भी, क्यूबॉइडल के लिए भी एंड कॉलमनर के लिए भी। देखिए
अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, एपिकल सरफेस के दो मॉडिफिकेशंस किए हैं। ये देखिए यहाँ पे एपिकल सरफेस फ्लैट दिख रहा है आपको ना, एपिकल सरफेस का जो मॉडिफिकेशन है वो देखिए। अगर आपको एपिकल सरफेस के ऊपर रिज लाइक पैटर्न्स दिख रहे हैं, रिज मतलब अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, सो इन दैट कंडीशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और ये जो आपके एपिकल मॉडिफिकेशन है इसका नाम है मैक्यूलाई, ठीक है। यानी कि अगर आपके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई का प्रेजेंस हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है ना। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोविलाई इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए डायग्राम, यहाँ पे आपका जो एपिकल सरफेस है वो फ्लैट है, और यहाँ पे एपिकल सरफेस जो है इसके ऊपर एक कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं जिसको आपने बोला सीलिया, ठीक है ना। जो सीलिया अगर आपके एपिकल सरफेस पे होगा तो उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कैसे बोलूँगा कि अगर किसी क्यूबॉइडल के एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ओके। आई रिपीट, अगर किसी क्यूबॉइडल के एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई है तो उसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अगर किसी क्यूबॉइडल के एपिकल सरफेस पे सीलिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है। तो ये आपके जो दो एपिकल मॉडिफिकेशन है ये देखने को आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए, तो अभी जैसे कि हमने देखा कि आपका ब्रश बॉर्डर वर्ड में हमने यूज़ किया और सीलिएटेड वर्ड यूज़ किया, तो मेरा पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि PCT और DCT जो दो आपके ट्यूब्यूल्स हैं किडनी में, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंपल क्यूबॉइडल या फिर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल? तो आंसर है आपका ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। याद रखिए, PCT एंड DCT में सिंपल क्यूबॉइडल नहीं होता है, वहाँ पे होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। और अगर ब्रश बॉर्डर वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब ये है कि उनके एपिकल सरफेस पे क्या मिलेगा आपको? माइक्रोविलाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसके अलावा आते हैं, बहुत सारे डक्ट्स के अंदर भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम देखने को मिल जाएगा, एंड इट ऑल्सो फाउंड इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इज थायरॉइड। थायरॉइड के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ पैनक्रेटिक डक्ट के अंदर भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल देखने को मिल जाएगा। फंक्शंस की बात करें तो द मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन लेते हैं सीलिया के बारे में, क्योंकि सीलिया जो है वो आपको आगे जाके फर्दर काम में भी आने वाला है, तो हम उसके लिए आते हैं आपके बोर्ड पे। चलिए, नाउ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीलिया होगा तो सीलिएटेड बोलेंगे और ब्रश बॉर्डर होगा जब माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। नाउ जो सीलिया वर्ड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन लेते हैं, आपको आगे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सीलिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका स्टीरियोसीलिया और दूसरा है काइनोसीलिया, ठीक है। तो दो टाइप की सीलिया होती है, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक रखूंगा, ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। स्टीरियोसीलिया और किनोसीलिया में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो है अरेंजमेंट का, कुछ प्रोटीन्स के अरेंजमेंट है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट है जो इनको अलग बनाते हैं, ठीक है ना। होता क्या है देखिए,
देखिए, एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको फर्दर सेल में जानने को मिलेगा, ये सेल में आपको डिटेल में आएगा। नाउ इस पूरे स्ट्रक्चर को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं 9+2। अगर आप देखेंगे तो बाहर जो है आपके 9 माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज हैं और अंदर के साइड 2 फिलामेंट्स अरेंज हैं। तो ये बाहर का जो सेक्शन है वो टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम बोलते हैं 9। और यहाँ अंदर में आपको 2 फिलामेंट्स दिख रहे हैं तो +2, तो 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये 9+2 अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब भी समझिए। अगर किसी सेल में 9+2 अरेंजमेंट है तो दिस 9+2 अरेंजमेंट सपोर्ट द सेल टू मूव, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो 9+2 अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, या किसी चीज़ को मूव करवाना है तो भी आपको 9+2 अरेंजमेंट होना होगा। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है आपके स्टीरियोसीलिया में एंड काइनोसीलिया में, कि जो स्टीरियोसीलिया है डू नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन किनोसीलिया डू हैव। ठीक है, सो स्टीरियोसीलिया डो नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट, किनोसीलिया हैव 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसका फायदा, किनोसीलिया जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेटाइल सीलिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसका मतलब क्या है कि वैसी सीलिया जो वाइब्रेट नहीं कर सकती है, ठीक है, वो स्टीरियो सीलिया है, और वैसी सीलिया जो वाइब्रेट कर सकती है वो किनो सीलिया है। यानी कि जो बेसिक सा डिफरेंस था वो 9+2 अरेंजमेंट पे था। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेकिया के अंदर देखिए, ट्रेकिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सीलिएटेड होते हैं, जिनके अंदर किनोसीलिया होती है और वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी आपके गले में डस्ट आ जाता है या फिर कुछ फूड पार्टिकल्स आपके ट्रेकिया के अंदर आ जाते हैं तो वो सीलिया बीट कर रही होती है, तो वो आपके उस फूड पार्टिकल को या डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ निकाल देती है वाइब्रेट करते हुए, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपकी किनोसीलिया की। और देखिए, जैसे फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो सीलिया है वो यूट्रस की तरफ बीट कर रही होती है, तो जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद आपके फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जो एग ट्रांसपोर्ट होता है ये किनोसीलिया के वजह से ही होता है। सो दैट्स मेक्स इट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किनोसीलिया का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, फाउंड इन ट्रकिया। कमिंग टू द स्टीरियोसीलिया, नाउ स्टीरियोसीलिया में क्या है, ये वाइब्रेट तो नहीं करते हैं लेकिन ये मोशन के हिसाब से मूव करते हैं। इसका मतलब समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, स्टीरियोसील का स्टीरिया सीलिया का एग्जाम्पल है वासा इफरेंशिया। ना वासा इफरेंशिया के अंदर स्टीरियोसीलिया पाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी आपके सेमनी फेस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का कलेक्शन पहुँचता है आपके वासा इफरेंशिया में, तो स्टीरियोसीलिया क्या करती है, उसको वासा इफरेंशिया से उठा के आगे एपिडाइडेमिस में पुश कर देती है। तो इनका काम कुछ नहीं है, जिस डायरेक्शन में आपका कॉम्पोनेंट आएगा उस डायरेक्शन में वो बेंड कर जाएंगे। यानी कि अगर मानिए कि इस डायरेक्शन से स्पर्म आ रहा है, ठीक है, और यहां पे आपके स्टीरियोसीलिया हैं, ठीक है, तो जो स्पर्म का डायरेक्शन है उसी साइड ये बेंड कर जाएंगी, ये इस तरीके से बेंड हो जाएंगी,
ठीक है। और जो स्पर्म है ये आगे जाके आपकी कहाँ एंटर कर जाएगा, एपेंडिक्स में। यानी कि आपने क्या देखा, स्पर्म आया, स्टीरियोसीलिया का पोजीशन ये है, और जैसे स्पर्म आया ये बेंड कर गई, बेंड करने के बाद जो स्पर्म है वो कहाँ की तरफ चला गया, एपिडर्मिस की तरफ। तो जिस तरीके से मोशन आएगा उस तरीके से आपकी स्टीरियोसीलिया बेंड कर जाएंगी, ये खुद वाइब्रेट नहीं करेंगी, ठीक है। सो एग्जांपल फाउंड इन तो ये कुछ पॉइंट्स था सीलिया के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आते हैं आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हो गई आपकी अप टू क्यू बॉटल तक की, इसके आगे जो कॉलमनर वाला पार्ट है, कॉलमनर वाला जो पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।